चेहरे पर बाल होना, जिन्हें हम फेशियल हेयर्स कहते हैं, इनसे छुटकारा पाने के लिए हम क्या कुछ ट्राई नहीं करते। कभी होम रेमेडीज, कभी पार्लर जाना, कभी किसी क्लिनिक जाना। हम चाहते हैं भाई घर बैठे कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे ये एक बार जाएं तो कभी वापस ही ना आए। बात अगर होम रेमेडीज़ की करें तो होम रेमेडीज़ काम तो बहुत अच्छे से करती हैं, लेकिन इनके रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा स्लो नज़र आना शुरू होते हैं और सब्र हम कर नहीं सकते क्योंकि हमें तो अभी इसी वक्त अपने इन चेहरे के बालों को साफ करना है। चले तो बताती हूँ आपको तीन ऐसे तरीके जिनके ज़रिए आप इंस्टेंटली घर बैठे अपने फेशियल हेयर्स को आराम से रिमूव कर सकते हैं। सो जी, सबसे पहला है रेज़र। ये वाला रेज़र नहीं, बल्कि इस तरह के फेशियल रेज़र्स जिन्हें डर्मा प्लांटिंग रेज़र्स भी कहा जाता है, इन्हें इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आसान है और इन्हें इस्तेमाल करने के बेशुमार फ़ायदे हैं। सिंपली आपने बालों की डायरेक्शन में रेज़र को चलाते हुए बहुत ही आराम से अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव कर लेना है, उसके बाद अपने चेहरे को मॉइस्चराइज कर लें। ये वाले जो रेज़र्स होते हैं, ये बहुत स्मूथली आपकी स्किन से बालों के साथ साथ आपकी ड्राई स्किन को भी क्लीन करते हैं। इस तरह के फेशियल रेजर्स बहुत ही ज़्यादा सस्ते और अफोर्डेबल होते हैं, इनमें कोई कट लगने का ख़तरा नहीं होता और ये बहुत ही ज़्यादा हैंडी होते हैं। आप जब चाहें, जहाँ चाहें इन्हें अपने साथ कैरी कर सकते हैं और इंस्टेंटली अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। सेकेंड तरीका है जी थ्रेडिंग और वैक्सिंग। वैसे तो ये दोनों तरीके काफ़ी पुराने हैं, लेकिन जिनके चेहरे पर फेशियल हेयर्स हैं और उन्हें उनसे चिढ़ आती है, तो मैं उन्हें मशवरा दूंगी कि या तो खुद से थ्रेडिंग या वैक्सिंग करना सीख लें। इससे आपका पार्लर जाने का खर्चा भी बच जाएगा, साथ ही आप खुद से जब दिल चाहे अपने फेस को क्लीन कर पाएंगे घर बैठे। ऑल्दो ये दोनों मेथड्स थोड़े से पेनफुल ज़रूर होते हैं। तीसरा है जी फेशियल एपिलेटर्स, या जिन्हें फेशियल ट्रिमर्स भी कहा जाता है। अगर आपको रेज़र फेस पर यूज़ करने से डर लगता है, या फिर आपने बहुत ट्राई किया कि थ्रेडिंग और वैक्सिंग सीख जाऊं लेकिन आपसे कुछ भी ना हुआ, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप इस तरह के फेशियल ट्रिमर्स में इन्वेस्ट कर लें। इसके प्रोज एंड कॉन्स अपनी जगह हैं, लेकिन अगर बात इंस्टेंट हेयर रिमूवल की करें तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं। अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो सस्ता महंगा आपको हर टाइप का एपिलेटर या ट्रिमर मिल जाएगा, बट बेस्ट इज़ कि आप एक बार में अच्छे एपिलेटर या ट्रिमर में इन्वेस्ट कर लें। सो ये थे मेरे रेकमेंडेड वो तीन बेस्ट वेज टू रिमूव फेशियल हेयर इंस्टेंटली, मतलब जब दिल चाहे तब कर लो। लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं टू रिमूव फेशियल हेयर्स, जिनमें सबसे पहले आ जाती हैं होम रेमेडीज़, जो अक्सर मैं अपने चैनल पर शेयर भी करती रहती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर कोई भी वीडियो आती है तो आप उसे मिस ना करें। होम रेमेडीज़ के बाद आ जाते हैं कुछ और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स जो क्लेम करते हैं कि भाई ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए गए हैं फेशियल हेयर्स रिमूव करने के लिए। अब ये किस हद तक फेशियल हेयर्स रिमूव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन इस तरह के प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में आराम से मिल जाएंगे। थर्ड आ जाता है लेसर डिवाइसेस, जो आप घर पर ख़रीद कर खुद भी कर सकते हैं, और चाहें तो बाहर किसी क्लिनिक जाकर एक प्रॉपर सेशन लेकर अपने अनवांटेड हेयर से छुटकारा पा सकते हैं। अगला है जी फॉर्मूला क्रीम। साथ ही अब काफ़ी कंट्रीज़ में फेशियल हेयर रिमूविंग फॉर्मूला क्रीम्स भी आने लग गई हैं, जिन्हें अब बहुत सारे लोग यूज़ करना प्रेफर करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका PCOD या PCOS ट्रीटमेंट चल रहा है तो मेडिसिंस भी काफ़ी हेल्प कर सकती हैं आपके फेशियल हेयर्स को कम करने में। चलें जी, तो इसी के साथ करती हूँ वीडियो को एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।